अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है उसे हम क्या कह आकर रूफ कह रहे हैं जो कि किस पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द बिल्डिंग अगेंस्ट रेन स्नो और हीट सो इनका ये पर्पस है तो यहाँ पे हम जब क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो बेसिक हमें जो रूफ्स हैं वो आपके थ्री डिफरेंट कैटेगरीज के हैं और ये जो थ्री डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं वो कौन कौन से हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि फर्स्ट वन इज़ योर पिज्ड पिज्ड और स्लोपिंग रूफ नेक्स्ट वन इज़ योर फ्लैट रूफ एंड द थर्ड वन इज़ कर्व रूफ तो एक तो आपका पीस रूफ है जिसको कि हम स्लोपिंग रूफ भी बोलते हैं दूसरा फ्लैट रूफ है जिसको कि हम लोग टेरेस रूफिंग बोलते हैं और थर्ड आपका जो है कर्व रूफ है ये इनका सिलेक्शन डिपेंड किस पे करता है तो बेसिक इनका जो सिलेक्शंस है वो डिपेंड करता है किसी भी एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन पर आपका वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का सेप और प्लान कैसा है और वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है मटेरियल की वो किस नेचर की है सो so, ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि आपके गवान करते हैं जिनसे कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा रूफ़ वहाँ पे प्रेफर करना चाहिए तो जो फर्स्ट है सबसे पहले आपको देखने को मिलता है पिस्ट रूफ so, सो बेसिकली रूफ को हम लोग क्या बोल रहे हैं स्लोपिंग रूफ़ भी बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसे हम वहाँ पर प्रेफर करने वाले हैं ऐसे एरियाज में प्रेफर करने वाले हैं जहाँ पर रेनफॉल और स्नोफॉल बहुत ही हैवी होता है क्यों क्योंकि इनका सरफेस कैसा होगा इनका जो तो सरफेस देखने को मिलेगा वो आपको इंक्लाइन देखने को मिलेगा और वो जो इंक्लीनेशन होता है उसकी भी एक लिमिट है अगर उस लिमिट की बात करेंगे तो ये जो इंक्लीनेशन होना चाहिए वन रेशियो सिक्स से ज्यादा होना चाहिए या तो आप ये बोल सकते हो जो इंक्लिनेशन होना चाहिए जो स्लोप होना चाहिए वो आपका टेन डिग्री से ज्यादा होना चाहिए वन रेशियो सिक्स बोलिए या टेन डिग्री बोलिए अगर ये फुलफिल कर रहे हैं तो हम उसे काउंट करेंगे पिस्डूफ में अगर इससे कम है बात यह आती है कि अगर स्लोप इनका इससे कम है तो उसे हम जो है कंसीडर कर लेते हैं फ्लैट रूफ के अंदर में सो मिनिमम इंक्लिनेशन उनका जो है टेन डिग्री होना चाहिए प्रोवाइड कहाँ पर कर रहे हैं ऐसे एरियाज में प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर हैवी स्नोफॉल या हैवी रेनफॉल हो सकती है बिल्डिंग विद लिमिटेड विद एंड सिंपल सेप आर जनरली टू बी कवर्ड सेटिस्फैक्ट्री बाय द पिस्डूफ मिसासी बिल्डिंग्स जिनका जो विथ है वो भी लिमिटेड है और साथ में इनका जो सेप है वो सिंपल इन नेचर है तो उस केस में क्या करते हैं हम पिज रूफ को प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट आता है आपका फ्लैट रूफ़ सो फ्लैट रूफ़ कहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं फ्लैट रूफ जो आपके प्लेन एरियाज़ में बेसिकली प्लेन एरियाज़ जो हॉट एरियाज़ हैं सो जाहिर सी बात है अगर प्लेन एरिया है हॉट रीज़न है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी देखने को नहीं मिलेगी तो रेनफॉल कैसा होगा रेनफॉल आपका मॉडरेट होगा और जो स्नोफॉल होगी क्योंकि कैसा नेचर है उस जगह का वो आपका हॉट रीज़न है सो so, वहाँ पे स्नोफॉल नहीं एग्जिस्ट करेगी सो so, जहाँ पे आपका रेनफॉल मॉडरेट इन नेचर है स्नोफॉल नहीं एग्जिस्ट कर रही है उस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग फ्लैट रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं और दे आर इक्वली अप्लीकेबल टू द बिल्डिंग्स ऑफ एनी शेप एंड द साइज आपकी बिल्डिंग्स किसी भी शेप की हो किसी भी साइज़ की हो उस केस में क्या करते हैं हम लोग फ्लैट रूफ्स को प्रोवाइड कर लेते हैं नेक्स्ट आता है कर्व रूफ अब कर्व रूफ से आ, मुझे और आप लोग को इस आइडिया लग रहा होगा कर्व रूफ कैसा नेचर का होगा तो देखने को ये पता चल रहा है कि जो कर्व रूफ है ऐसा है जिसका टॉप सर्फ कैसा टॉप सर्फिस कैसा हो कर्व्ड इन नेचर हो अगर कर्व्ड इन नेचर है तो जाहिर सी बात है इससे हमें क्या मिल जाएगा आपको आर्किटेक्चरल इफेक्ट मिल जाएगा इससे जो हमारी बिल्डिंग है उसका जो अपीरेंस है वो बढ़ जाएगा सो so, इन्हें हम प्रोवाइड करते हैं कर्व के फॉर्म में जिनसे हमारी एस्थेटिक व्यू उसकी बढ़ जाती है सो दिस रूफ इंक्लूड सिलेंड्रिकल एंड पैराबोलिक सेल्स एंड सेल डोम्स डब्ल्यू कर्व सेल सो जब इन्हें कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसके लिए हम लोग जस्ट कुछ इन शेप्स को प्रीफ़र करते हैं और इन्हीं शेप्स के हेल्प से क्या करते हैं हम इन्हें फर्दर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हमें ये रूफ देखने को कहाँ मिलते हैं तो जनरली हम लोगों ने पब्लिक बिल्डिंग्स में देखा होगा जैसे कि लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज़ में देखने को मिलता है कि जो आपके रूफ़ है, हैं वो कर्व हैं थिएटर्स हो गए जो रिक्रिएशनल सेंटर्स हो गए तो वहाँ पर हमें इस रूफ़ को देखने को मिल सकता है नेक्स्ट आता है आपके बेसिक एलिमेंट्स की बात करें जो पिज रूफ हैं उनके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं या आप बोल सकते हो इनके डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं तो पिज रूफ कैसे थे पिच रूफ ऐसे थे जो कि स्लोप्ड होते थे और इनका इंक्लीनेशन कितना होना चाहिए मिनिमम आप बोल सकते हो टेन डिग्री होना चाहिए तो जो इनके फॉर्म्स हैं तो फॉर्म्स में देखने को मिलता है आपका लीन टू रूफ है गैबल रूफ है हिप रूफ है गैम्ब्रेल रूफ है मैनसर्ड और कर्व रूफ है और डेक रूफ है तो ये सिक्स डिफरेंट फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं सो फर्स्ट है so first, जो कि आपका लीन टू रूफ है आप बोल सकते हो ये आपका सबसे सिंपल टाइप का रूफ है दिस इज आवर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द स्लोपिंग रूफ इस सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द स्लोपिंग रूफ को हम प्रोवाइड कहाँ पे करते हैं जनरली जो हमारे रूम्स हैं जिनका स्पैन जो काफ़ी कम हो और प्रोवाइड कहाँ पे करते हैं इन्हें वरानंदा में जो हमारे घर का वरानदा होता है वहाँ पे हम इस रूफ़ को प्रोवाइड करते हैं और इनमें जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है वो सिंपली एक साइड प्रोवाइड किया जाता है अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो इसे तो इसे कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करोगे मीन स्लोप जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल साइड में होगा ये सेम चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हो इस लीन टू रूफ़ में ये इसे हम लोगों ने कहाँ प्रोवाइड किया आप देख रहे होगे कि इसकी स्लोपिंग जो है वो एक साइड है मीनस यहाँ से लेके कर यहाँ से मल्टी डायरेक्शन में या मोर देन वन डायरेक्शन में इसका स्लोप नहीं देखने को मिल रहा है नेक्स्ट आपका हार है दैट इज़ गैबल रूफ़ अब गैबल रूफ़ में क्या देखने को मिलता है बेसिक गैबल रूफ़ में क्या होता है जो कि लीन टू रूफ़ में हम लोगों ने स्लोप सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोवाइड कराया था गैबल रूफ़ में ये जो स्लोप्स है, हैं हम इन्हें दो डायरेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं सो स्लोपिंग रूफ विथ स्लोप्स इन टू डायरेक्शन अगर हम इस रूफ की बात करें तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा स्लोप है वो इस पॉइंट से एक तो राइट साइड में भी आ रहा है और दूसरा आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है सो so, स्लोपिंग दो डायरेक्शन में हो गई जब हमारा स्लोप दो डायरेक्शन में तो आप ये देख सकते हो क्या यहाँ पे आपको एक ट्रेंगल फॉर्मेशन दिख रहा है ऑब्वियस सी बात है आपको एक ट्रैंगल फॉर्मेशन दिख रहा है तो द टू स्लोप्स मीट एट रिजेस और ये दोनों स्लोप्स हैं आपके ये जो है टॉप मोस्ट पॉइंट है जिसको कि रिज बोल रहे हैं वहां पर मीट करते हैं और मीट करने के बाद इनका जो फेस है जो एंड फेस है यहां पे हम एक ट्रेंगल भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है सो so, ऐसे रूफ को हम लोग क्या बोलते हैं गैबल रूफ बोलते हैं नेक्स्ट है आपका हिप रूफ हिप रूफ में क्या होता है अभी इससे पहले हम लोगों ने वन साइड स्लोप टू साइड स्लोप देख लिया लेकिन अगर हम लोग स्लोप कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं चारों डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारा रूफ का फॉर्मेशन होगा दैट रूफ विल बी योर हिप रूफ सो यहाँ पे हम देखें कि एक डायरेक्शन में ये आपका स्लोप हो गया दूसरा डायरेक्शन में आपका ये स्लोप हो गया या आपका बोल सकते हो पहले फेस पे इधर स्लोप सेकेंड फेस फेस पे इधर स्लोप अगर हम इस फेस की बात करें तो इस फेस में किधर स्लोप हुआ होगा इस साइड स्लोप रहा होगा जो बैक फेस इसके पीछे का फेस है बैक फेस साइड में तो आपको स्लोप कुछ इस तरीके का दिखा होगा तो मीन्स हमारे जो स्लोप्स हैं वो एक इस डायरेक्शन में आपका दूसरा इस डायरेक्शन में और ये तीसरा आपका इधर से आ रहा है और फोर्थ वाला आपको कुछ इस तरीके से इसके बैकग्राउंड में कुछ मतलब बैक साइड से दिखेगा मीन्स यहाँ पे जो स्लोपिंग है वो आपको कहाँ पे दिख रही चारों फेसेस पे दिख रही हैं और जब चारों फेस मीट कहाँ पे करेंगे बात ये आती तो जो इसका रिज होगा इसी रिज पे ये चारों जो साइड से या जो चारों फेस से स्लोप जा रहे हैं वो जो है आपके रिज पे जाके मीट कर जाएंगे सो ऐसे रूफ को हम लोग क्या बोलते हैं हिप रूफ बोलते हैं नेक्स्ट है जो आपका गैम्बरेल रूफ है अब गैम्बरेल रूफ में क्या होता है आप ये बोल सकते हो कि जैसा हम लोगों ने स्लोपिंग गैबल रूफ में देखा है स्लोप कहाँ पे हो दो फेस पे हो सेम यहां पे भी है जो आपका गैम्ब्रेल रूफ है यहां पे भी हम स्लोप जो है सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन से देते हैं लेकिन जो स्लोप है उस स्लोप के साथ साथ आपको यह देखने को मिलेगा कि वो स्लोप स्टार्ट तो यहां से हो रहा है लेकिन ये रिज तक नहीं कंटिन्यू कर रहा है आपका जो स्लोप दिख रहा है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है बट यहां पे जाके नहीं एंड हो रहा है ये बीच में ही ब्रेक कर जा रहा है सो गैम्रेल रूफ में क्या होगा हमारा स्लोप दो डायरेक्शन में होगा और ये दोनों जो स्लोप्स होंगे ये आपके ब्रेक कर जाएंगे ना ओके okay? सो so, ये देखने को मिलता है कि स्लोप पहला फर्स्ट स्लोप उसके बाद यहाँ से ब्रेक हुआ उसके बाद आपने क्या किया सेकेंड इंक्लिनेशन प्रोवाइड किया सो so, ऐसे रूफ को हम लोग क्या बोल रहे हैं गैमरल रूफ बोल रहे हैं नेक्स्ट है जो कि मैंसर्ड रूफ है मैंसर्ड रूफ कैसे होते हैं जैसा कि हम लोगों ने हिप रूफ में देखा है हिप रूफ में क्या होता है चारों फेस पे हम क्या कर रहे हैं या चारों डायरेक्शंस में स्लोप दे रहे हैं सो so, यहाँ पे चारों डायरेक्शन या चारों फ़ेस से हमें स्लोप देखने को मिलता है लेकिन ये स्लोप जो है ना कंटिन्यूएशन में नहीं होते हैं कि मैं एक साइड का एक साइड का फेस है उसमें ये स्लोप दे दिया तो स्टार्टिंग से लेकर कर रिच तक होगा नहीं ऐसा नहीं आपको यहाँ पे जो स्लोप्स हैं वो ब्रेक होते हुए दिखेंगे सो so, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आपका ये फेस है अगर हम इस फेस की बात करें सो so, यहाँ से स्लोप एक है एक पोर्शन ये स्लोप्ड है उसके बाद ये ब्रेक हो जा रहा है यहाँ से आपका जो दूसरा पोर्शन है इसका इंक्लिनेशन क्या है डिफरेंट है सो so, ब्रेक कैसे होगा अगर हम लोगों ने इंक्लिनेशन को चेंज कर दिया जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जो जिस एंगल से स्लोप हम लोग बना रहे हैं उसे चेंज कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपकी स्लोप जो है वो ब्रेक कर जाएगी नेक्स्ट और जो लास्ट फॉर्म है दैट इज़ योर डेक रूफ अब डेक रूफ में क्या होता है यहाँ पे अगेन आप बोल सकते हो ये आपका कुछ मिलता जुलता है आपके हिप रूफ से लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है डिफरेंस क्या है यहाँ पर पहली बात तो ये देखने को मिलती है कि आपके फोर चारों डायरेक्शन से स्लोप है और उसके बाद क्या होता है जो हमारा ये स्लोप जब ब्रेक करेगा स्लोप जब ब्रेक रहा होगा तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा एक टॉप हॉर्जेंटल सरफेस एक टॉप सरफेस जो कि आपका कैसा नेचर का होगा प्लेन इन नेचर होगा मीन्स ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है फाइनली ये एंड ऐसा नहीं हो रहा है कि जहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ एक रिज बन जाए नहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रिज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है आपका एक सरफेस फॉर्मेशन हो रहा है और जो सर्फेस फॉर्मेशन वो कैसा है प्लेन इन नेचर है सो so, जो प्लेन इन नेचर सरफेस है बेसिक उसी को हम डेक बोल रहे हैं और आप इस स्लैब को क्या बोल सकते हो डेक रूफ बोल सकते हो ठीक है सो so, ये है आपके छह डिफरेंट फॉर्म्स इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बेसिकली हम पिच रूफ को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं तो देखने को ये मिलता है कि पिच रूफ को हम लोग एक तो सबसे पहले ये कैसे हो सकते हैं सिंगल रूफ्स हो सकते हैं जब सिंगल रूफ होंगे तो फर्दर इसमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा लीन टू रूफ कपल रूफ कपल क्लोज रूफ कॉलर बीम रूफ या तो कॉलर टाई रूफ देखने को मिल सकता है इसके बाद आपका डबल या तो परलिन रूफ होगा और थर्ड आपके ट्रिपल मेंबर्ड या फ्रेम्ड या तो हम ट्रस्ट रूफ बोल सकते हैं मीन्स सिंगल रूफ डबल और परलिन रूफ और आपका जो थर्ड है इज ट्रिपल मेंबर्ड या फ्रेम्ड या तो ट्रस्ट रूफ सो so, बेसिक ये आपके क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं और इन क्लासिफिकेशन से फर्दर और भी आपको सब क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे सो वन बाई वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं अभी सो स्टार्टिंग विद विदर फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज सिंगल रूफ सो सिंगल रूफ में जाहिर सी बात है अब यहाँ पे जो टर्म सिंगल है तो कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो जो टर्म सिंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा एक कॉमन रैफ्टर होगा इट कंसिस्ट ऑफ अ ओनली सिंगल कॉमन रैफ्टर विच आर सिक्योर्ड एट द रिज एंड वॉल प्लेट्स तो बेसिकली एक सिंगल रैफ्टर दिख रहा है आपको यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है एक सिंगल रैफ्टर दिख रहा है और जो हमारा रैफ्टर है वो कहाँ कहाँ से सिक्योर किया गया है एक तो आपके इस वॉल से इस वॉल से हम लोगों ने सिक्योर किया है और दूसरा यहाँ पे आपको एक पोस्ट दिख रहा होगा जो कि अगेन या तो एक पियर हो, हो सकता है एक सपोर्ट हो सकता है बेसिकली वॉल या पियर के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सिक्योर कर देंगे सो so जो ये रूप्स होंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे आप बोल सकते हो कि आपके ऐसे रूप जो है सिंगल रूप है बेसिकली हम एक सिक्स सिंगल राफ्टर देखने को मिल रहा है और इनके दोनों साइड्स एक साइड आपका इधर और दूसरा इधर ऐसे ही आपके जब इसमें हम फर्दर और क्लासिफिकेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये प्रोवाइड किए गए होंगे और यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि दे आर यूज इन्हें यूज कब करते हैं जब आपके स्पैन काफ़ी कम हो और इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट्स नहीं होता है मीन्स इनके जो जो रैफ्टर्स हैं इनके बीच में कोई एक इंटरमीडिएट सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा इनके जब क्लासिफिकेशंस की बात कर रहे हैं तो सबसे सबसे पहला रूफ है दैट इज़ योर लीन टू रूफ लीन टू रूफ आपका सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रूफ़ है और ये जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रूफ़ है इसमें जो स्लोप दिया जाता है जो राफ्टर का स्लोप है वो सिंगल साइड है आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे हमारा स्लोप दिया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डायरेक्शन में है आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे यहाँ पे स्लोप्स हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना तो एक डायरेक्शन में आपको स्लोपिंग दिख रही है इस रूफ़ को हम लोग पेंट रूफ़ या तो एस रूफ भी बोलते हैं अब जब जाहिर सी बात है इस रूफ़ को प्रोवाइड कर रहा है जो राफ़्टर दे रहा है तो रैफ्टर को हमें कहाँ पे सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी तो सपोर्ट दिया जाएगा एक साइड आपकी जो ये वॉल होगी जो बिल्डिंग की वॉल होगी यहाँ पे देंगे और जो दूसरा साइड होगा जिसके लिए हम लोगों ने एक पिलर बना रखा है पीयर बना रखा है वहाँ सपोर्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका ये बिल्डिंग वाली वॉल है इस बिल्डिंग वाली वॉल और जो हम लोगों ने सपोर्ट एक पियर बना रखा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा और एलिवेशन जो ज्यादा होगा वो आपके इस पोर्शन का होगा मीन्स जहां हम लोगों ने राफ्टर को सपोर्ट किया है बिल्डिंग के वॉल से वो क्या होगा वो जो है हायर एलिवेशन पे होगा विद रिस्पेक्ट टू अगर हम इस वॉल या पियर की बात कर ले तो जो वुडन वॉल प्लेट्स हैं जो हमारे वुडन वॉल प्लेट्स हैं द वुडन वॉल प्लेट्स इज सपोर्टेड इधर ऑन द स्टील कॉर्बेल और स्टोन कॉर्बेल सो so, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारी ये वुडन वॉल प्लेट्स हैं इनको हम सपोर्ट किस पे कर रहे हैं इनको या तो आप सपोर्ट कर सकते हो स्टोन के कारबल पे या स्टील के कारबल पे और इनको प्रोवाइड कैसे करते हैं अब जाहिर सी बात है अगर इस वॉल को हम इस डायरेक्शन में देखें तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा ये वॉल कुछ इस तरीके से गई होगी तो ये जो कॉर्बल्स दिए गए होंगे ये कॉर्बल्स आपके एट इंटरवल ऑफ वन मीटर एक मीटर के डिस्टेंस पर सेंटर टू सेंटर हम क्या कर रहे हैं इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं और ये जो है दूसरे साइड पे भी प्रोवाइड किए गए होंगे यहाँ पे वॉल में और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम लोगों ने पियर बना रखा है वहाँ पे भी हम प्रोवाइड करेंगे जिससे कि क्या हो सके हम अपने इस रैफ्टर को सपोर्ट कर सके और इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस देखने को मिलेगा एलिवेशन में उस डिफरेंस इन एलिवेशन की वजह से स्लोप मिलना चाहिए वो जनरली हमें थर्टी डिग्री देखने को मिल जाता है और जो इसके लिए स्पैन इस है किस स्पैन के लिए सुटेबल है सो मैक्सिमम स्पैन आपका 2.5 मीटर तक ही हम इसे यूज कर सकते हैं और देखने को कहाँ मिलता है कॉमनली हम देखते हैं जो आपके सेट्स हैं जो आपके आउट हाउसेस हैं और जो आपके वरानदास हैं जो कि मेन बिल्डिंग्स अटैच्ड हैं तो वहाँ पे हम इसे प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट आता है आपका कपल रूफ्ट अब कपल रूफ़ में क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमारे पास क्या है बेसिकली आपका अ पेयर ऑफ रैफ्टर आपके पास यहाँ के पेयर ऑफ रैफ्टर देखने को मिलेगा फर्स्ट रैफ्टर और ये आपका सेकेंड रैफ्टर सो बेसिकली हमें यहाँ पे पेयर ऑफ रैफ्टर दिख रहा है और ये दोनों जो है बेसिकली एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जो कि रिज पॉइंट है आप बोल सकते हो और उसके बाद ये दोनों साइड यहाँ पे स्लोप दिख रहा होगा मीन्स यहाँ पे जो स्लोप होगा वो आपको दोनों तरफ देखने को मिल सकता है जो अपर एंड ऑफ ईच पेयर ऑफ रैफ्टर है इन्हें क्या कर रहे हैं एक कॉमन रीच पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरे साइड से आप देख रहे हो हम लोगों ने क्या किया है वॉल्स पीयर्स बना हैं और इस वॉल प्लेट से हम क्या कर रहे हैं इन्हें सपोर्ट कर सक रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने बाकी यहाँ पे फर्दर वॉल प्लेट्स प्रोवाइड कर रखी होगी जिससे कि हम इसे कनेक्ट कर सकें ये रूफ़ को है हम जनरली प्रीफर नहीं करते हैं इसके पीछे भी रीज़न ऐसा क्यों है कि हम प्रीफर नहीं कर रहे हैं अब जाहिर सी बात है आप खुद कंसिडर करिए अगर इस रूफ़ पे लोड आ रहा होगा तो क्या होगा इस रूफ़ पे जब लोड आएगा तो यहाँ पे और इस दोनों डायरेक्शन में थ्रस्ट डेवलप होगा और ये चाहेंगे अपने आप को मूव कराना दोनों जो दोनों सपोर्ट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड जाना चाहेंगे इस बाहर के साइड एक्सटेंड करना चाहेंगे सो इसे जो है हम जनरली लिमिट कर देते हैं कि इसे ज़्यादा स्पैन इस के लिए ना प्रिफ़र किया जाए तो जो हमारा स्पैन है अप टू 3.6 मीटर के लिए ही हम क्या करते हैं इसे प्रीफर करते हैं उससे ज़्यादा के लिए हम इसे प्रेफर नहीं करते और अगर उससे ज़्यादा के लिए प्रीफ़र करना है तो आगे फर्दर हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सो so, नेक्स्ट आता है आपका क्लोज कपल रूफ़ क्लोज कपल रूफ़ में क्या है जो जस्ट इससे पहले हम लोगों ने जो देखा है कपल रूफ़ उससे सिमिलर है बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा और थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वहाँ पे ये मेंबर जो आपकी टाई बीम है वो नहीं एग्जिस्ट कर रही ले थी लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक हॉर्जेंटल मेंबर यूज कर ले रहे हैं हॉर्जेंटल मेंबर क्या करेगा ये दो आपके जो कॉमन रैफ्टर्स जो बोल सकते पेयर ऑफ रैफ्टर्स हैं जो कि मूव करना चाह रहे थे बाहर उन्हें कनेक्ट करेगा जब उन्हें कनेक्ट करेगा तो आपका जो पिछले वाले केस में जो हॉर्जेंटल थ्रस्ट डेवलप हो रहा था सो तो उसे ये क्या करेगा उसे रजिस्ट करेगा उसे लिमिट कर देगा तो इस हॉर्जेंटल मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिक वी कॉल इट एज अ टाई बीम और ये जो टाई बीम है बेसिकली ये आपका वुडन मेंबर भी हो सकता है या आपके स्टील के मेंबर भी हो सकते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ टाई बीम की जरूरत है तो बेसिकली देयर इज अ वन टाई बीम फॉर ईच पेयर ऑफ रैफ्टर सो जितने पेयर्स ऑफ रैफ्टर होंगे हर पेयर पे आपको एक सिंगल टाई बीम की जरूरत होगी इन टाई बीम्स को बेसिकली हम क्या कर सकते हैं यूजड एज सीलिंग जॉइस्ट जब भी हमें ज़रूरत पड़ती तो अब इसका स्पैन क्या है जो कि नॉर्मली आप देख सकते हो पहले 3.5 था अब वो हायर स्पैन के लिए भी हम इसे प्रेफर कर सकते दैट इज़ 4.20 मीटर के लिए हम दे सकते हैं बट स्टिल यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है प्रॉब्लम क्या है ये अब अप, अपने आप को फर्दर ना तो इधर जाने देगा ना इधर मूव करने देगा लेकिन अभी भी चांसेस क्या है यहाँ पे सैगिंग के चांसेस हैं ये जो रैफ्टर हैं वो सैग कर सकते हैं अगर सैगिंग आ रही है तो उसे अपोज करने के लिए क्या करेंगे हम अगर यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दें एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दें तो क्या वो सैगिंग भी लिमिट हो जाएगी ऑब्वियस सी बात है सपो उस सपोर्ट से सैगिंग लिमिट हो गई तो हम यहाँ पे सैगिंग को लिमिट करने के लिए क्या कर रहे हैं एक रॉड प्रोवाइड कर दे रहे हैं एक वर्टिकल पोस्ट प्रोवाइड कर दे रहे हैं जिसको कि हम लोग किंग रॉड या तो किंग बोल्ड बोलते हैं और ये क्या करेंगे उस जगह के सैगिंग को लिमिट कर देंगे नेक्स्ट आता है कॉलर बीम रूफ जस्ट इससे पहले जो हम लोगों ने देखा भी यहाँ पे क्या है क्लोज कपल रूफ यहाँ पे जो कॉलर बीम रूफ में है यहाँ पे क्या है आपके ये दो पेयर ऑफ रैफ्टर्स हैं और पिछले वाले केस में हम लोगों ने टाई बीम यूज़ किया था जब टाई बीम यूज़ कर रहे थे तो क्या देखने को मिल रहा था टाई बीम आपके इन सपोर्ट्स के लेवल पर यूज़ हो रहे थे जो आपके यहाँ पे सपोर्ट्स थे उनके लेवल पर यूज़ हो रहे थे लेकिन हम इन कॉलर्स को कहाँ कर रहे हैं कॉलर्स को और ऊपर मीनस इस, इसको कहीं मिड में आप यूज़ कर रहे हो सो so, अगर हम इसको ऊपर करके यूज़ कर दे रहे हैं सो so ये आपके और जो है स्ट्रांग बन जाएंगे और इस बेसिकली जो इससे पहले वाले केस में जिसको हम टाई बीम बोल रहे थे यहाँ पे वो क्या कहा जाएंगे कॉलर बीम या तो आप इसे कॉलर टाई बोल सकते हो ओके okay? ठीक है तो सो so ये ध्यान रखना है अब जब हम इन्हें यहाँ पे थोड़ा सा इनके पोजिशन को ऊपर मूव कर रहे हैं सो so इससे क्या हो जाती है आप इसे और ज़्यादा स्पैन के लिए यूज़ कर सकते हो सो दिस रूफ इज़ सूटेबल फॉर स्पैन अप टू फाइव मीटर्स एंड जो ये कॉलर्स की पोजीशन है इससे आपको एक स्ट्रांग रूफ़ देखने को मिलती है एंड द कॉलर रूफ प्रोवाइड्स रूफ ग्रेटर हाइट ऑफ द रूम्स हो इसे प्रोवाइड करने से हमें जो रूम की जो हाइट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ मिल जाती क्यों इंक्रीज़ मिल रही है क्योंकि जाहिर सी बात है इससे पहले वाले केस में जो आपका टाई बीम था वो यहाँ पे था लेकिन अभी हमने कॉलर को कहाँ पहुँचा दिया और ऊपर विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वन सो आपके जो रूम की हाइट है वो सी बात है वो बढ़ जाएगी नेक्स्ट है आपका कॉलर एंड सीज़र रूफ़ सो so, कॉलर एंड सीज़र रूफ़ में क्या देखने को मिलता है ये रूफ़ अगेन आपके कैसे हैं कॉलर रूफ़ से सिमिलर है बस यहाँ पे डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारा यहाँ पे ये जो बेसिक इससे पहले वाले केस में आपने जो बी मेम्बर्स यूज़ होता हुआ देखा था वो एक सिंगल लाइन में थे मीनस वो हॉर्जेंटल थे लेकिन यहाँ पे ये क्या है ये इंक्लाइंड है और इंक्लाइंड हो रहे हैं तो ये कुछ एक सीजर जैसा फॉर्मेशन कर रहे हैं आप अगर देखें तो ये कैसा एक सीजर जैसा फॉर्मेशन है दैट्स वी आर कॉलिंग इट एज अ कॉलर एंड सीजर रूफ ठीक है सो ये नेक्स्ट है आपका डबल और पर्लिन रूफ डबल या पर्लिन रूफ में क्या होगा अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बेसिकली हमारे दो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो दो होंगे एक तो आपका रैफ्टर होगा इसके साथ में आपका पर्लिन है अब बेसिकली पर्लिन का काम क्या है पर्लिन जो है आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट देता है किसको जो आपके यहाँ पे रैफ्टर्स होंगे बेसिकली पर्लिन गिव्स इंटरमीडिएट सपोर्ट टू द रैफ्टर एंड आर सपोर्टेड ऑन द एंड सो ये आपके रैफ्टर को सपोर्ट प्रोवाइड right कर रहे हैं और इन्हें सपोर्ट कैसे किया जा सकता है आपके जो वॉल्स हैं उनके एंड से इन्हें हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं द इंटरमीडिएट सपोर्ट सो प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ पर्लिन रिड्यूस द साइज ऑफ रैफ्टर जब हम पर्लिन प्रोवाइड कर रहे हैं तो पर्लिन प्रोवाइड करने से क्या होता है जो आपके रैफ्टर के साइज़ हैं वो रिड्यूस हो जा रहे हैं रैफ्टर के साइज़ रिड्यूस होने के अहमें एक इकोनॉमिकल रेंज देखने को मिल जाता है सो so, इस वजह से इस रूफ़ को हम लोग रैफ्टर और पर्लिन रूफ भी बोल सकते हैं द रैफ्टर प्रोवाइड करेंगे तो द रैफ्टर प्रोवाइडेड फेयरली क्लोज 40 टू 60 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर जो रैफ्टर्स होंगे उनके बीच की स्पेसिंग होगी दैट शुड बी 40 टू 60 सेंटीमीटर और हर एक रैफ्टर को बेसिकली हमें तीन जगह से सपोर्ट करना पड़ेगा इससे पहले वाले केस में जो अभी हम लोगों ने सिंगल रूफ डिस्कस किया था उसमें क्या था रैफ्टर आपका सिर्फ और सिर्फ दो जगह से सपोर्टेड था एक आप बोल सकते हो वो दोनों उसके एंड्स थे अगर यही अकबर सिंगल रूफ़ होता तो आपको एक सपोर्ट इस साइड से दिख रहा था एक सपोर्ट इस साइड से दिख रहा था लेकिन इस केस में क्या है अभी हमारे जो सपोर्ट्स हैं वो थ्री डिफरेंट पॉइंट्स से देखने को मिलेंगे और वो जो थ्री डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं एक तो आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट और एक आपका इसका रिज पॉइंट और दूसरा ये कहीं आपका एक इंटरमीडिएट पॉइंट होगा जहाँ से आपकी पल्लिन इसे सपोर्ट करेगी और ये यूज़ कहाँ पे किए जा रहे हैं ये आप देख सकते हो ये जो इतना अरेंजमेंट हम लोगों ने प्रोवाइड किया है इसकी वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ है वो क्या है वो बढ़ चुकी ये strong है ये स्ट्रांग है सो अगर स्ट्रांग है तो इनकी स्पैन भी क्या होगी हम बढ़ा सकते हैं इन्हें एक हायर स्पैन के लिए प्रीफर कर सकते हैं तो बेसिकली इसे यूज़ किया जाता है जब हमारी स्पैन एक कर जाती है फाइव मीटर से नेक्स्ट है आपका रूफ़ कवरिंग अब जैसे आ, कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये सारी चीज़ें क्या थी ये बेसिकली आपके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स थे अब इस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के ऊपर हमें क्या कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा वो कवर ही क्या कर रहा है आपके आ, बाहर के जो फैक्टर्स हैं मीनस आपके सन हो चाहे आपका विंड हो चाहे आपकी स्नो हो चाहे आपकी रेनफॉल हो या कोई और एटमॉस्फेरिक एजेंसीज़ हो उनसे ये प्रोटेक्ट कर रहा है ठीक है सो जब हम बात करेंगे कि रूफ़ कवरिंग कैसा होना चाहिए उनके मटेरियल्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे सो so, उसे सेलेक्ट करते वक्त हमें देखना ये पड़ता है कि आपकी बिल्डिंग कैसी है उस रूफ़ का फ्रेमवर्क कैसा है इनिशियल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए बेस अगर आप मटेरियल चेंज करोगे तो शायद सी बात है इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाएगी जैसे जैसे मटेरियल चेंज करेंगे वैसे उसके मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हर एक मटेरियल की सेम मेन्टेनेंस की ज़रूरत नहीं होती सो मटेरियल चेंज करने से आपके मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी चेंज होगी फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ अपीयरेंस ड्यूरेबिलिटी क्या अवेलेबिलिटी है उस मटेरियल को उस एरिया में और वहाँ का क्लाइमेट सो so, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करके हम क्या जो है रूफ़ कवरिंग मटेरियल की बात करेंगे जो मटेरियल्स कंसीडर किए जाते हैं पिस्ट रूफ़ के केस में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे आपका थैच कवरिंग है वुड सिंगल्स हैं टाइल्स हैं एसबेस्टस सीमेंट सीट्स हैं इटरनीट स्लेट्स हैं गैलवनाइज कॉरिगेटेड आयरन है और लाइट वेट रूफिंग है सो so, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मटेरियल हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं अपने रूफ को कवर कर सकते हैं सो so, सबसे पहला जो है हम थैच कवरिंग की बात करें तो बेसिकली हमारे थैच कवरिंग आप बात करेंगे तो जो आपका सबसे चीपेस्ट रूफ कवरिंग है वो आपकी थैच कवरिंग है अब चीपेस्ट है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है ये आपके लाइट इन वेट होते हैं लाइट इन वेट आप बोल सकते हैं इसका प्लस पॉइंट है बट आप देखोगे कि ये हाईली कम्बस्टेबल है अगेंस्ट विंड ये अनस्टेबल भी होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो हमारे एटमोसफियर मॉइस्चर एग्जिस्ट कर रहा है वो इन्हें एबजॉर्ब कर लेंगे और ये जो है डीके करने लगते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब करें स्टार्ट डीके कर देंगे इसके साथ साथ ये जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो रैट्स हैं ये उनके लिए उनका घर बन जाता है सो ज़ाहिर सी बात है जो इट्स हार्बर रेट्स एंड अदर बोर्ंग एनिमल्स सो इसके वजह से आपको एक बैड स्मेल देखने को मिल सकती है बेसिकली वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से भी और इसके साथ साथ जो वहाँ पे एनिमल्स रिसाइड करने लगते हैं रैट्स रिसाइड करना सो so उसकी वजह से देखने को मिल सकती है थैच रूफ कवरिंग कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ रीड्स और स्ट्रॉ आपको बंडल्स दिखेगा यहाँ पर क्या दिख रहे हैं ये एक सिंगल यूनिट नहीं है ये बंडल्स के फॉर्म में यहाँ पर अरेंज कर दिए गए हैं द फ्रेम वर्क टू सपोर्ट थेच कवरिंग कंसिस्ट ऑफ राउंड बैंबूर ऑफ्टर सो सबसे पहले हम क्या करते हैं uh, हम रूफ फॉर्मेशन करते हैं और रूह फॉर्मेशन जो है आपका कंसिस्ट करता है राउंड बैंबू रेफ्टर जो कि स्पेसिंग आपको ट्वेंटी टू थर्टी सेंटीमीटर अपार्ट देखने को मिलती है और उन सबको क्या करते हैं आपस में टाइट करते हैं और टाइट करने के बाद जो ये आपका पूरा ये जो हमारे कवरिंग है तो थैस की कवरिंग है इनको ऊपर अरेंज कर देते हैं और अरेंज करने के बाद इसे हम क्या करते हैं टाइट कर देते हैं सो so, अब टाइट करने पर यहाँ पे, पे चांसेस होते हैं कि कभी कभी आपका मॉइस्चर पेनिट्रेट हो रेन हुई हैवी रेन हुई तो रेनफॉल पेनिट्रेट कर जाती है सो so, उसके उस पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए हमें जो इसका स्लोप है मिनिमम जो है आपका 45 फाइव डिग्री रखना चाहिए कम से कम हमें फिफ्टी फोटी फाइव रखने की ज़रूरत है और हमें थिकनेस कितनी रखने की ज़रूरत है थिकनेस ऑफ थैश रूफ कवरिंग शुड बी एट लीस्ट ऑफ फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड नॉर्मल थिकनेस जो इसकी होती है वो ट्वेंटी टू थर्टी सेंटीमीटर मिनिमम फिफ्टीन सेंटीमीटर और इसकी जो नॉर्मल थिकनेस होती है दैट शुड बी रेंज ऑफ़ 20 टू 30 सेंटीमीटर इनकी लाइफ की बात करें तो जो हमारे रीड थैच था, हैं उनकी लाइफ आपको लगभग 60 इयर्स और जो आपके स्ट्रॉ थैच हैं उनकी लाइफ आपको 20 इयर्स देखने को मिल सकती है और सिंगल स्लूफिंग में क्या है बेसिकली अगर आप इस चीज़ को देखो तो यहाँ पर आपको ये ऐसा लग रहा होगा छोट एक कैसे टाइप के दिख रहे हैं ये बेसिकली आपको थिन स्लैब्स ऑफ वुड देख रहे हैं सो so, जब वुड सिंगल्स बेसिकली सिंगल्स क्या है आपके थिन स्लैब्स स्लैब्स ऑफ वुड है इन्हें यूज़ कहाँ पे करते हैं इन्हें यूज़ कर सकते हैं हम लोग बेसिक हिली एरियाज़ में जहाँ पे टिम्बर की अवेलेबिलिटी होती है लो कॉस्ट पर अवेलेबल हो सके वहीं पे प्रेफर करते हैं और ये लाइट इन वेट होते हैं और इसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि इसके अंदर ना तो फायर को रजिस्टर करने की एबिलिटी होती है ना तो टर्माइट्स को रजिस्ट करने की एबिलिटी होती है और इसे हमें जब फाइनली जब इसे हम स्लैब्स पर कन्वर्ट करेंगे तो ये देखना होगा कि जो टिम्बर्स हो प्रॉपरली क्या हो सीजनड हो अगर सीजन नहीं होगा तो फर्दर इस पर जो आपका आ, बोल सकते हैं डिग्रेडेशन या इसका डिग्रे जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट है आपके टाइल्स रूफिंग टाइल्स रूफ में क्या होता है बेसिकली इसमें हम सिंपल जो है लोकली अवेलेबल मटेरियल से जो टाइल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद आ, इसे हम जो है अरेंज कर देते हैं सो so, जो शेप्स हैं जो इनके अरेंजमेंट का शेप है आप बोल सकते हो या जिस स्टाइल्स का शेप है या उनके अरेंजमेंट का जो पैटर्न है उसके बेसिस पे हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट नाम से आप आ, यू बोल सकते हो तो जो डिफरेंट टाइप्स के आपके टाइल रूफिंग है तो आपके प्लेन या तो फ्लैट टाइल्स देख सकते मिल सकता है कर्वड या पैन टाइल्स पॉट टाइल्स स्पेनिश टाइल इटालियन और इंटरलॉकिंग टाइल्स सो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनसे कि क्या कर सकते हैं हम अपने रूफ को कवर कर सकते हैं बाय दिस मटेरियल नेक्स्ट आपका एस्बेस्टस सीमेंट सीट है एसबेस्टस सीमेंट सीट्स में हम क्या करते हैं बेसिकली हम एसबेस्टस सीमेंट्स की सीट यूज़ करते हैं और उस सीट्स को क्या करते हैं जो हम लोग अभी रूफ के मटेरियल uh, रूफ के डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया उस पर इसको प्लेस करते हैं और देखने को कहाँ मिलता है बेसिकली ये सारे जो आपके सीट्स हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग फैक्ट्रीज सेट्स सिनेमा हाउस ऑडिटोरियम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी कभी कभी, -कभी देखने को मिल जाता है दे आर चीप लाइट इन वेट टफ ड्यूरेबल वाटर टाइट इनके अंदर फायर रजिस्ट करने की एबिलिटी होती है और ये क्या कर सकते हैं? टर्माइट्स को भी रजिस्ट कर लेते हैं इसके जो आप बोल सकते हो कि बिगेस्ट एडवांटेज है ये है कि ये जो अवेलेबिलिटी है इनकी ये काफ़ी बिगर यूनिट्स में अवेलेबल हो जाते हैं जबकि टाइल्स क्या है काफ़ी छोटे छोटे यूनिट्स में अवेलेबल होते हैं हाँ सो so इस वजह से आप बोल सकते हो कि एक सिंगल सीट से आप बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो इनको किसी भी तरीके के पेंट की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके के मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती आप बोल सकते मिनिमम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और इनका कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी तेजी से किया जा सकता है और इस ए सी में क्या है बेसिकली आपका पोर्टलैंड सीमेंट है और फिफ्टीन आपके आपके फाइबर हमें देखने को मिलते हैं दैट इज अबाउट एसबेस्टस सीमेंट नेक्स्ट है आपके गेलवनाइज आयरन कॉरिगेटेड सीड्स इसमें क्या कर रहे हैं जो आपकी जो सीड्स हैं बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ गेलवनाइज आयरन इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर है आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ द एस्बेस्टस सीमेंट से जिस तरीके से हम एस्बेस्टस सीमेंट का यूज एस्बेस्टस सीमेंट की सीट को यूज़ करके रूफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सिमिलर वैसा है और इन्हें क्या करेंगे हम प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बाकी जो हमारा रिमेनिंग पोर्स है रिमेनिंग कवरिंग मटेरियल्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अभी के लिए इतना ही थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे